शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। दीदू और डॉली दीदी फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? कीर्ति, श्रद्धा पार्लर से निकले के नहीं? मम्मी, दीदू और डॉली दीदी फोन ही नहीं उठा रहे। हे पापा, दोबारा फोन लगा लगा। आप परेशान मत होइए, हम ट्राई कर रहे हैं। लगा? यशवी जी, क्या बात है? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? सब ठीक है ना? शायद श्रद्धा भी अभी तक नहीं आई है। प्लीज मुझे जाने दिया, आज मेरी शादी है। शादी है तेरी? मंडप में जिंदा जाएगी है तेरी लाश, भेजू। निकल, चल पूरे घर निकल, फटाफट निकल, निकल 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 ले, निकल। अरे आप तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे गलत जवाब देने पर आप 1 करोड़ रुपए हार जाएंगी। सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी हो गई? अगर ऐसी कोई बात है तो आप हमें बता सकती हैं? नहीं नहीं, वो हम यही पता कर रहे थे कि श्रद्धा पार्लर से निकली या नहीं। आंटी जी। हाँ। सॉरी बुआ जी। आपको लेटेस्ट खबर मिल गई ना? तो जाइए ना, पीछे बैठ के आराम से ठंडा निपटाइए। रितु को भी ना चैन नहीं है, फिर करेगी कोई गड़बड़। रितु? हाँ जी भाभी, यहाँ आइए ना। आई भाभी। बुआ जी जाइए। हाँ जा रही हूँ। फोन लगाती रह कीर्ति, कभी तो उठाएगी। ये डॉली भी ना पता नहीं कब, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी परेशान मत होइए, आ जाएंगी। लगा बेल जा रही है। जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। पता तो हमें करना पड़ेगा कि नैना भाभी की गुणवंती बहू है कहां पर। चल रितु, काम पर लग जा। चुप रे यार, को चुप करो उसको यार। ये रुक जा, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, रुक जा। ये दुल्हनिया तक गोली मार दूंगा, रुक जा रुक जा। अरे ये सब क्या चल रहा है? कब तक हमें अंधेरे में रखेंगे? ना लाइट आ रही है ना दुल्हन आ रही है।
शुक्र है कम से कम लाइट तो आई अब। माफ कीजिएगा बहन जी, आपको तकलीफ हुई। अब पावर कट से होते रहते हैं, आपको पता ही है। जनरेटर ऑन करा दिया है, अब लाइट नहीं जाएगी। आप लोग सब कंफर्टेबल रहिए। तेरी बात सुनो। नहीं ना भाभी, अगर हम कुछ बोलेंगे तो आप कहेंगे कि रितु हमेशा बोलती रहती है, पर भाभी हमारी बात का यकीन कीजिए, हमें लग रहा है कि यहाँ पर आज बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। मतलब ये कि मुहूर्त का समय हो चुका है और श्रद्धा अभी तक नहीं आई। भाभी आप तो हर काम मुहूर्त पर करती है, आपसे बेहतर कौन जानेगा कि वरुण और श्रद्धा की शादी शुभ मुहूर्त पर होनी चाहिए। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी तो कौन सी जगह पर तैयार होने गई है जो आने में इतना वक्त लग रहा है। और आप जरा वहां ध्यान से देखिए उन लोगों को, उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। बात तो बिल्कुल सही कह रही है रितु। क्या हुआ? श्रद्धा पता नहीं कहाँ रह गई, इसे भी पूछने लगेंगे तो क्या जवाब देंगे हम? पापा डॉली दीदी और दीदू का फोन भी नहीं लग रहा, पता नहीं कहाँ रह गई। अरे बुआ जी सीआईडी बनके तरह तरह के सवाल पूछ रही है। हमारा मन तो सुबह से बहुत घबरा रहा है कहीं कुछ। यशवी जी आप शांत रहिए, हम ड्राइवर से बात करते हैं। ये ड्राइवर भी फोन नहीं उठा रहा है, ये हो क्या रहा है? ये भगवान हमारी बच्चियों की रक्षा करना, पता नहीं हमारी श्रद्धा कहाँ रह गई है। यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, कहाँ है आपकी बेटी श्रद्धा? मतलब ये तो गजब है इत्तेफाक है, वहां कोई फोन नहीं उठा रहा, आपको पता नहीं कि आपकी बेटी कौन से पार्लर में गई है, कहीं तैयार होने के लिए लखनऊ तो नहीं चली गई? अगर वहां गई होती तब भी लौट आई होती। श्रद्धा बेटी बस आती ही होगी। आप हमें क्या तसल्ली दे रहे हैं, आपको खुद पता नहीं आपकी बेटी कहाँ पर है? आप जानते हैं ना कि हम मुहूर्त के कितने पक्के हैं, अब आपकी वजह से हमारे भाई भाभी परेशान हो जाएंगे। अरे बहन जी आराम से बात कीजिए, सारे मेहमान देख रहे हैं। ये तो क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम? भैया हमारा तो कलेजा फटा जा रहा है वरुण के बारे में सोच सोच कर। क्या मतलब? मतलब आप इन्हीं से पूछिए, जब इनकी बेटी पार्लर से वापस आई ही नहीं तो ये हमसे छुपा क्यों रहे हैं? वो भाई साहब थोड़ा सा वक्त लगा है श्रद्धा को आने में, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। सक्षम जी आप निश्चिंत रहिए, हम समझते हैं, और वैसे भी आजकल जो नेटवर्क की हालत है हम सभी जानते हैं। देखिए मुहूर्त निकला जाए, मेहमान भी बार बार पूछ रहे श्रद्धा के बारे में, हम क्या जवाब दें? ताई जी जवाब क्या देना है, कानपुर के ट्रैफिक का तो सबको पता ही है, आप भी चिंता मत कीजिए आती ही होगी। हमारे अभय को कानपुर और बंबई के बीच का फर्क ही नहीं पता। बेटा जी कानपुर का ट्रैफिक बंबई की तरह नहीं होता कि चार पांच गली दूर आप इतने वक्त के लिए फंस जाओ। हमें तो यहाँ पे कोई और ही अलग गड़बड़ नजर आ रही है। बुआ जी से गड़बड़ नहीं, बात का बतंगड़ कहते हैं जो अभी आप बना रही हैं। आपको पता है ना ऑलरेडी दीदू को लेके हम लोग कितना परेशान है। सिर्फ आप लोग परेशान हो, हम लोग नहीं। और परेशान किसकी वजह से हो? अपनी बहन श्रद्धा की वजह से। बुआ जी कहाँ तो आप ये पूछती कि हमारी दीदू ठीक है ना, कोई मुसीबत में तो नहीं? पर नहीं, आप तो नई नई कहानियां बना रही हैं। चुप, एकदम चुप। नहीं नहीं यशवी जी बोलने दीजिए उसे, मत रोकिए, हमें भी तो पता चले आपकी बेटियों के असली रंग। एक की जुबान नहीं रुकती और दूसरी के कदम। अरे जब शादी ही नहीं करनी थी तो क्यों हमारा पैसा और वक्त बर्बाद किया? नैना भाभी आपको हमेशा लगता है कि गलती हमारी है, लेकिन हम मेहंदी के वक्त ही समझ गए थे, जब श्रद्धा के हाथ में हमारे वरुण का बी नहीं बल्कि किसी अनजाने का ए लिखा हुआ था।
किट्टू जी, ऐसी बात ना कहें। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।